बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबको पता है कि नायाब रिश्मीरपुर से आई हुई थी, तो अब इन्हें आज इनके पास एक ही डे रह गया है, तो इन्हें गांव भी जाना है, अपनी नानों के घर जावियार नाबिया को भी मिलना है, और इसके अलावा इन्हें इरहा को भी मिलना है। तो सबसे पहले तो हमने रमज़ान की ग्रॉसरी शॉपिंग की है डिस्काउंट सेंटर से, आप मेरा वो व्लॉग भी देखेंगे। सो अभी हम चलते हैं। सो हमने सारा कुछ ले लिया है डिस्काउंट सेंटर से, सारी ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली है। सो अब हम जा रहे हैं, अनाया को कराची बिरयानी खिलाने लगी हूँ, देन हमने इरहा को मिलने जाना है। सो जनाब मैं कराची बिरयानी पर आ गई हूँ, कराची नसीब बिरयानी, और इनके पास पुलाव भी होता है। सो काफ़ी अच्छा होता है और अनाया का फेवरेट है, तो इसलिए मैं अनाया के लिए स्पेशल यहाँ से लेने आई हूँ। सो इनके पास ना फैमिली हॉल भी मौजूद है, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, कोई भी आकर यहाँ पर इंजॉय करके जा सकता है। तो मैं जनाब थोड़ी सी बिरयानी की भी आपको दिखा दूँ, कितनी मज़े की है, देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। सो हम मेरे घर में तो सबको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। सो चलते हैं अब काउंटर पर बिलिंग वगैरह करके बाजार वाली साइड पे जाने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक मेवों की दुकान है, मोम वहाँ से मेवे खरीदेंगी और हम लोग गाड़ी में ही रहेंगे। गाड़ी में एक जगह पे पार्क करवा दूंगी जसियाल की बैक साइड पे, वहाँ पे थोड़ी पार्किंग एरिया है। सो मैं अनाया और अबरीश बिरयानी इंजॉय करेंगे, तब तक मोम मेवे वगैरह जितने भी लेकर आने हैं घर के लिए वो लेकर आ जाएंगी। सो लेट्स गो। तो जनाब मोम मेवे लेने चले गए हैं, हम तीनों बच्चे गाड़ी में ही, और यहाँ पे अबरीश और नाया बिरयानी इंजॉय कर रहे हैं। सो मैंने थोड़ी सी इनकी भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की। जनाब अबरीश जो वो बॉटल आई हुई है नेस्कैफे वाली, वो भी पिएगी तो उसका भी मुझे टेस्ट बताएगी। और नाया कहती है कि शुरू शुरू में सही टेस्ट आता है लेकिन एंड पर मज़े का नहीं आता। यहाँ पर अबरीश मुझे खिला रही है, थैंक यू सो मच अबरीश, फुप्पी लव्स यू। फुप्पी तो इनने कभी नहीं मुझे बोला, हमेशा स्वीटी स्वीटी बोलती रहती हैं। तो जनाब आधी से ज्यादा मैं ही पी गई उसकी बॉटल, सो मैं इनको टिश्यू दूंगी ताकि अपने हैंड। सो जनाब अब हम पहुंच गए हैं ग्रैंडफादर के घर, तो इरहा को मिलते हैं। जनाब ये मीरपुर से आई हुई है, अभी तक इरहा को नहीं मिली, तो सबसे पहले तो दादा बू वजू कर रहे थे, हम दादा बू को मिले, देन इरहा अंदर थी। सो इरहा इनको देखकर बहुत विश हुई, इरहा इनकी खाला की बेटी है। तो यहाँ पे जनाब रमजान की तैयारियां बड़े जोर शोर से हो रही है। सो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सुनते नबी है कि रमजान के एक महीने से पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की तैयारी स्टार्ट कर देते थे, तो एज अ मुस्लिम हमें भी इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए और रमजान की तैयारी एक महीना पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। कौन है स्वीटी? स्वीटी हूँ मैं, स्वीटी। क्या चीज़ जान लिया? मोबाइल। हाँ मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम दादी माँ, मैं नाया। अनाया मीरपुर से आई हुई है दादो। मीरपुर से आई हूँ। मीरपुर से आई हूँ। ये मीरपुर से आई है ना। दादो ये ने एच चाबी कड़े कड़े नहीं गड्डी दी। हाँ गड्डी दी, गड्डी दी, गड्डी दी चाबी है, मिल रही है दादो से। गड्डी जोर कर नहीं खानी उन खिलाई है कुछ जी कुछ है बाहर आपके घर के बाहर सड़क दूँ सड़क पर सड़क पर सड़क पर खिलाई है जी जी तो कोई जोर ला जाए फिर लॉक चाबी से लॉक लगाया हुआ है लॉक ताला लगाया ताला ताला ना लॉक कर लॉक कर देना। ओहो मैं जाने लगी हूँ, मैं फुप्पो के घर जा रही हूँ, फुप्पो सलीमा के घर जा रही हूँ। फुप्पो सलीमा के घर जा रही हूँ। जा रहे हो? हाँ जी। मैं मोम अनाया अबरिश एक दूँ एक नाया एक अबरिश और तेरी अम्मी जी वो भी जा रही है। हाँ जी। एक दूसरी क्या बाजी नहीं आई, बाजी मीरपुर है और नहीं आई। नो क्यों पता नहीं बाजी के पेपर है, पेपर इम्तिहान है, इम्तिहान पर्चा पर्चा रमजान में रमजान रोजू में रोजू में रोजू में रोजू में पर्चा पर्चा
रोजू में ओके okay, तो जनाब ग्रैंडफादर के घर से वापस आकर अब हम जा रहे हैं नाभिया और जावियार को मिलने। तो यूसुफ प्लाजा के ऊपर कुछ बच्चे रहते हैं सो वो मुझसे छुपते रहते हैं, तो जब मैं ऊपर देखती हूँ वो छुप जाते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं जावियार और नाभिया के घर, ये उनको सरप्राइज़ देने के लिए खड़ी हुई हैं दोनों मैड में। चले हम अंदर चलते हैं और जाकर जावियार और नाभिया से मिलते हैं। तो यहाँ पर जनाब मैंने बच्चों का बड़ा प्यारा सा मोमेंट कैप्चर किया है, ये मिलकर इतने ज़्यादा खुश थे। मैंने बताया था आपको कि जोड़ी बनी हुई है मोटू और पतलू की, नाया और जावियार दोस्त हैं और नाभिया और अब्रिश दोस्त हैं, तो एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा हैप्पी थे और इनका दिल नहीं भर रहा था। इतने अरसे बाद मिले हैं तो दिल ही नहीं भर रहा। अच्छा जी, तो जनाब दो मेरे भाई के बच्चे हैं और दो मेरी बहन के बच्चे हैं, जावियार और नाभिया मेरी बहन के बच्चे हैं और अनाया और अब्रिश मेरी भाई के बच्चे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम काफी हद तक इनका कंप्लीट होने वाला है, सही है। तो मैंने आपको जैसे बताया था इनके घर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो चलिए हम छत की तरफ चलते हैं। तो जुलाइन ने अभी छत वाले एरिया में रखा हुआ है, सो छत पर चलते हैं और कैट से मिलते हैं जाकर। व्हाइट कैट जो इधर रहती है, इनके नेबर्स की है, जो अक्सर आ जाती होती है, मिलते हैं चलकर। सीटी हमारे साथ जा रही है मीरपुर। ये मजा आएगा। सीटी हमारे साथ मीरपुर जा रही है। हम थोड़ी में बात करने लो पता। ओके तो जनाब जावियार और नाभिया के घर से आने के बाद अभी हम अनाया और अब्रिश को गांव छोड़ने जा रहे हैं। तो हम इस रास्ते से गुजर कर जा रहे हैं, सो सामने के ऊपर से बच्चे गुजर कर जा रहे थे और वो बाय बाय कर रहे थे, सो मैंने भी उनको बाय बाय करना स्टार्ट कर दिया। सो बड़ा प्यारा ये मोमेंट लग रहा था और आई थिंक सो किसी स्कूल के बच्चे थे और उन सब ने बाय बाय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अभी चलते हैं और आपको जैसे कि पता है कि पुल के पास गोलगप्पे होते हैं, तो हम जाकर गोलगप्पे भी इंजॉय करने वाले हैं। तो जनाब ये पुल पर शाहजी चस्का पॉइंट है, ये बड़े फेमस गोलगप्पे होते हैं इनके, ठीक है। मैंने इनका व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर किया था मेरी पुरानी वीडियोस में, जाकर आप वो व्लॉग ज़रूर वॉच करें। और अब यहाँ से हमने गोलगप्पे ऑर्डर कर दिए हैं, जब तक गोलगप्पे आते फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पर जनाब गोलगप्पे आ गए हैं, तो अब हम गोलगप्पे शेयर करके खाने लगे हैं मैं नाया और अब्रिश। सो यहाँ पर जनाब गोलगप्पों का टेस्ट इंतहाई मज़े का, बेहतरीन गोलगप्पे थे, सो बहुत मज़ा आया। तो हम गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग चलेंगे अपनी फूफो के घर। मेरी फूफो और अनाया अब्रिश की नानों का घर है ये। सो अब्रिश कहती थी कैमरा ऑन कर लो और सरप्राइज़ देना, चुप करके हमोशी से आती जाओ। सो यहाँ पर देखें मोर कितना प्यारा लग रहा है, ये पायल डालता है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैंने आपको के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, जब मैंने अपने चाचू का फुल फॉर्म आपके साथ शेयर किया था। अगर आपको उनके फॉर्म की फुल वीडियो देखनी है तो मैंने लास्ट व्लॉग एक शेयर किया था, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं वो वाली वीडियो। तो जब मैं अंदर आई तो फूफो दूध जो है वो बॉटल्स के अंदर डाल रही थी, जो सब घरों में जाता है। और यहाँ पर बीनश जनाब खीर बना रही है, माशाल्लाह। मैं बीनश को कह रही थी कि बीनश वाह मैं आई हूँ और तुम खीर बना रही हो। सो यहाँ पर फूफो दूध डाल रही है। सो हम बाहर चलते हैं और जाकर टोमी से मिलते हैं। तो टोमी जनाब मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश है और मैं भी टोमी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। मैंने कहा टोमी इधर बैठते हैं, सो लेकिन टोमी मुझे थोड़ा दूर बैठ गया। जनाब मैं नीचे फार्म वाली साइड पर गई हूँ काउ वगैरह को देखने। इससे क्या बनता है? सरसों का तेल दादा ने बोला। किसे बोला? दादी। दीदी लोग क्या रहा ना अब्बू को सरप्राइज देने, अब्बू का रिएक्शन। हेलो मुर्गियां भी डरी हुई हैं हमसे। काजल कौन सी है? ये काजल है? ओ ये दो न्यू बेबी आए हैं। वाओ कितने प्यारे हैं ट्विंस ये दो न्यू। देखो ऐसे लग रहा है वेलवेट के कपड़े पहने हुए। इतना प्यारा, तुम कितने सुंदर हो। सो सुंदर बॉडी में बात नहीं आ रही है। तो ये सारे न्यू काउ बेबीज हैं, सारे के सारे न्यू हैं। ओ मुझे नहीं खाना। यम 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 खाना खाओ। तुम लोगों का खाना तो मैं खा नहीं सकती। टॉमी सबसे पंगे लेता है, गॉड से भी और काउ से भी।
उसको कौन खा गया। सो जनाब अब हम ऊपर आ गए थे, अब मैंने खाना इंजॉय किया और खाना खाने के बाद जनाब हम घर के लिए निकल जाएंगे। तो हमारा आज का व्लॉग इतना ही था, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब हम मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।